इन चार को आप किसी उम्र में दें वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये इन्होंने कार्ड का बहुत रिस्पेक्ट किए, कमरे से रूम से होटल टाइप बने हुए। और हाँ, एक मज़े की बात अभी बता दूँ कि अभी जो नया कानून आया है, पहले ऐसा होता था कि विजिट वीजा सिर्फ 3 महीने का होता था, 3 महीने के बाद आपको पता। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, साउथ कोरिया में जो तो पैसे वाले लोग आते हैं जिनके पास करोड़ों रुपया है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, होटल में रहें, मोटल में रहें, जहाँ मर्जी रहें। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कोरिया में अगर आपने मिसाल के तौर पे कम पैसों में किस तरह आप इंतज़ाम कर सकते हैं होटल का, रहने का, खाने का, पीने का, या फिर कोई भी प्रॉब्लम जहाँ पे आ जाती है पैसों की, तो आप कम पैसों में कैसे आप ज़्यादा मसले मसाइल हल कर सकते हैं। चलते हैं भाई वीडियो की तरफ। भाई ये कोई पहाड़ वहाड़ नहीं है, ये बर्फ़ पड़ी हुई है, रात को धूप है बहुत ज़्यादा, धूप की वजह से बर्फ़ पिघल गई है। जैसे ही आप एयरपोर्ट से उतरते हैं तो ये बैंक कार्ड है, बैंक कार्ड तो आपका नहीं बन सकता, मगर ये वाला जो कार्ड है बस कार्ड से कहते हैं, ये स्टोरी वे शॉप हो या फिर 24/7 या फिर मुख्तलिफ़ किस्म की इस तरह की शॉप से इजीली आपको ये वाला कार्ड इजीली मिल जाएगा। ये मिलेगा तकरीबन 2 से 3 छनन का, मतलब कि $2 या $3। चाहें तो आप यहीं से रिचार्ज करवा सकते हैं, यहाँ से रिचार्ज नहीं करवाना हो तो हर स्टेशन पर, हर एयरपोर्ट पर आपको ये मशीनें लगी होती हैं, यहाँ पर रखने से ये आपको बैलेंस बताता है कि आपके पास, अभी ये बता रहा है कि $1 तकरीबन है मेरे पास, क्योंकि मैं इसे इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मैं अपना ये बैंक कार्ड इस्तेमाल करता हूँ ज़्यादा, तो इससे हमारे बहुत से पैसे बचते हैं। कैसे बचते हैं मैं बताता हूँ। अभी मैं जैसे बस से उतरा हूँ, बस से उतरने के बाद अभी मैंने ट्रेन में सफ़र करना है, 30 मिनट के दौरान अगर मैं यहाँ पर कार्ड लगाता हूँ तो मेरा कोई रिचार्ज नहीं होगा, बजाय इसके कि अगर मैं पैसे डालता हूँ तो मुझे हर बार $1 या $1.50 देना ही पड़ेगा, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये वाला कार्ड जो है आपका बस, ट्रेन और टैक्सी में आसानी से इस्तेमाल हो जाता है, और फिर जब आप आ जाते हैं आपके पास कोई सा भी वीज़ा, उस वीज़े के टाइप से आपने बैंक का कार्ड लाजमी बनवाना है। अब बैंक का कार्ड बनवाने से फ़ायदा ये होता है कि टैक्स में बहुत ज़्यादा छूट आ जाती है, मिसाल के तौर पर कोई भी शॉपिंग करनी है, कहीं सफ़र करना है, XYZ, जहाँ पर भी हम ये इस्तेमाल करेंगे हमारे पैसे जाएंगे, तो साल के बाद हमें जो टैक्स लगता है वो टैक्स लगेगा नहीं, बल्कि साल के बाद हमें वो गवर्नमेंट की तरफ से पैसे, तकरीबन मेरा ख्याल है $100 भी आ जाते हैं, $200 भी आ जाते हैं। अगर आप पैसे इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ पैसे, हर जगह पैसे देंगे, जैसे पाकिस्तान में हर जगह पैसे को इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर आपका साल के बाद टैक्स आता है, चाहे वो $200 आ जाएँ, चाहे वो $300 आ जाएँ, इस तरीके से टैक्स आता है। तो आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ बैंक कार्ड इस्तेमाल करेंगे तो आपको साल दो साल के बाद $200 देने नहीं पड़ेंगे, बल्कि मज़ीद आ जाएंगे। जैसे एयरपोर्ट से या स्टेशन से हम बाहर निकलते हैं तो हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है कि रहना कहाँ पर, तो रहने के लिए मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है होटल की। होटल जो है वो महंगा है, होटल से सस्ता है मोटेल, मोटल से सस्ता, और भी बहुत से रहने के तरीके वो मैं बता देता हूँ। होटल में रहेंगे तो होटल आपको मिलेगा तकरीबन $100 से $150 पर डे। उसके बाद आ जाता है ये मोटेल, आपको हर जगह मिलेगा, एयरपोर्ट स्टेशन के बाहर ये आपको जगह जगह ये मोटेल मिलेंगे जहाँ पे आप रह सकते हैं। यहाँ पर तकरीबन आपको $50 से $60 पर डे का मिलेगा, कि अगर आपने एक दिन रहना है तो $50 से $60 देने पड़ेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इससे भी सस्ता, तो आपको यहाँ पर मिलेगा, ये बुदुंग सन लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ, ये वर्ड नोट कर लें, ये बुदुंग सन में आपने जाके पूछना है मुझे खिसीवॉन में रहना है, तो वहाँ पर तकरीबन आपको महीने का रेंट बहुत सस्ता मिल जाएगा, ये बुदुंग सन का ऑफिस है। तो आपने ये मोटल में रहने से अच्छा है कि इस बुदुंग सन में जाकर हम पूछ लेते हैं अगर ऑफिस खुला है, कि खिसीवॉन में रहना है, खिसीवॉन का किराया बहुत कम होता है। ना ये भी खुशी वन छाजु शिपो है, खुशी वन, खुशी वन ने खुशी वन न वन नंबर बोलते हैं तो शिको ये
मैंने भी उनसे पूछा है कि I am a man.최근은 여기에 1차 적이 싶어 때문에 몰라 한 달 두 달 필요해요. 한 달 두 달 필요하다고. 어 그러면 이거 고시원 좋아 아니면 월세방 좋아요? 고시원은 밥은 행복을 했죠. 네. 알겠습니다. 감사합니다. 뭐 있으면은 전화 주세요. 예, 알겠습니다. 감사합니다. 바이 누나 이 카드 디아이 इन्होंने कि अगर आपने ढूंढना है यहाँ पर तो ये सामोशिल है, यहाँ पर आपको बता दिए कि 3 लाख वन में तकरीबन आपको घर मिल सकता है किराए पे, मगर 1 साल की गारंटी के लिए। अगर आपको रहना है खुशी वन में तो वहाँ पर भी आपको तकरीबन 3 लाख वन तकरीबन $300 आपके बनते हैं। वहाँ पर आपका ये है कि खाने पीने का किचन भी मिल जाएगा, इसके अलावा बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी, सेक्टा की कहते हैं उसको, कपड़े धोने की मशीन, ये वो सब सामान उसमें होता है, टीवी वगैरह। खुशी वन में ये सब चीज़ें अलग नहीं होती हैं, एक ही बंदे की होती हैं। तो ये मुझे बता दिए कि अगर आपने रहना है तो फिर 4 महीने से 1 साल तक आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर आपको किराए पे घर मिल जाएगा तकरीबन 2.5 लाख 3 लाख वन में। नहीं तो आप खुशी वन में रहें वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये इन्होंने कार्ड दिया, बहुत रिस्पेक्ट किए। तो भाई बहुत रिस्पेक्ट से इन्होंने बताया कि अगर आपने रहना है तो आप इजीली रह सकते हैं, सब सामान जो है वो आपको मिलेगा, मगर 6 महीने से 3 महीने कम से कम आपको रहना ही पड़ेगा। तो फिर आपको तकरीबन 3 लाख वन बनते हैं $300 वो 1 महीने के लिए। उसके लिए आपको एडवांस उन्होंने जो बताया है, तकरीबन उन्होंने बताया है पाकिस्तानी 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया आपको एडवांस भी जमा करवाना पड़ेगा। फिर आपको 3 महीने से जितना ज़्यादा आपको रहने का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उतनी आपकी फ़ीस कम होगी। तो ये इन्होंने मुझे बताया है। आए हैं तो आपने कुछ दिन 10-15 दिन रहना, तो खुशी वन के नाम से आप जब किसी से पूछेंगे तो वो आपको बता देगा कि खुशी वन में रेंट जो आपको सस्ता है। इसके अलावा कोरिया में आपको मज़े की बात बताऊँ तो यहाँ पर मिलता है सौना भी होता है। सौने में आप जो है एक टाइम का खाना वाना तो कुछ नहीं मिलता है, नहाने का बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम होता है, सोने का बेहतरीन सिस्टम होता है। तो वहाँ पर आप आसानी से एक मानन देखें, अगर मैं उसे डॉलर्स में बताऊँ तो तकरीबन $10 में आपको आसानी से जगह मिल जाती है, मगर वो कमरा नहीं होता, इकट्ठे सब सौदे होते हैं, एक बड़ा सा हॉल होता है, नहाने का सिस्टम होता है, उसे सौना कहते हैं। और खुशी वन होता है वहाँ पर रूम मिल जाता है, मगर अलग अलग खाने पीने की किचन या ये वो चीज़ें नहीं मिलती है। तो उसके लिए आपको अगर ज़्यादा टाइम के लिए देना है तो रेंट पर आप आसानी से घर लेकर रह सकते। निकलते तो भाई बड़े साफ़ सुथरा माहौल, खुली खुली जगह, बहुत ही प्यारा मौसम, और इन्जॉयमेंट करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। देखते जाएं आगे क्या क्या होता है। खुशी टल जो है वो इस राइटिंग में लिखा होगा, वो इस टाइप के जो कमरे से रूम से होटल टाइप बने होंगे, ये देख सकते हैं खुशी टल या खुशी वॉन। और फिर अगर आपने लॉन्ग टाइम रहना है और पैसे आपके पास ज़्यादा हैं तो ये जगह जगह बैनर्स लिखे हुए नज़र आएंगे कि इतने पैसे दे दो, तकरीबन 6 मानन लिखा हुआ है, तकरीबन अगर $1,000 $2,000 देकर आप जो है इस तरह के रूम, खाना पीने के अलावा टीवी फ्रिज ये वो सब सामान जो है अंदर आपको मिलेगा। जैसे कोरिया में पहुंचते हैं तो छोटी मोटी चीज़ों की जो ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि टूथपेस्ट हो गया, तौलिया हो गया या साबुन हो गया, ये डाइसो शॉप जो है यहाँ पे बहुत सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे क्रीम वगैरह $3 है। ग्लव्स या मास्क, घड़ी लेनी हो, कप लेना हो, ट्रे लेनी हो, जूती लेनी हो या फिर ट्रक वगैरह लेना हो, सस्ता मिल जाता है $2।
कीमतें भी बता देंगे इतना भरा करते हैं $2 सफाई करने के लिए बूस्ट हो गया था जैसे कि ये है $3 कोरिया में नए हैं और आपने कॉल करनी है तो मोबाइल नहीं है तो ये टेलीफोन बूथ जो है जगह जगह लगे होते हैं इसमें हेगन ओशी वन 10 won 500 won जो है सिक्के जो है बल्कि आप कॉल कर सकते हैं इंटरनेशनल कॉल भी लग सकती है इंटरनेशनल कार्ड आपको मिल जाएगा तकरीबन $10 में वो भी यहाँ से लग सकती है अगर आपने लोकल कॉल करनी है तो वो 100 won में या 50 won में भी आसानी से हो जाती है नाश्ता अगर आपने करना है तो ये पेरिस वालों की बेकरी होती है यहाँ पे बहुत ही लजीज कॉफ़ी और ब्रेड वगैरह मिल जाती है सुबह का नाश्ता करते हैं देखते हैं क्या होता है कॉफ़ी शॉप में मुख्तलिफ किस्म की आपको ब्रेड्स और चीज़ें मिल सकती हैं $100 में आपको बेहतरीन स्मार्टफोन कोरिया से मिल जाएगा वाईफाई आपको हर जगह इस्तेमाल मिल सकती है फ्री में और अगर फिर भी आप चाहें कि नहीं मेरे पास नंबर हो कि मैं व्हाट्सएप नंबर इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो उसके लिए आपको तकरीबन $10 में आपको सिम इशू हो सकती है इजीली और वो तब होगी जब आपके पास 3 महीने से ज़्यादा का वीज़ा है अगर आपके पास 3 महीने से कम का वीज़ा है तो फिर जो है वो कार्ड सिम में वो भी टेम्परेरी मिल जाएगी मगर वो जल्द बंद हो जाएगी अगर आपने नंबर वाकई में रेगुलर ओपन करवाना लाइन फोन लेना है तब भी आपको तकरीबन $20 जो है वो सबमिट करवाने पड़ेंगे वो महीने का बिल आएगा $10 उसके साथ जो है आप कॉल जितनी मर्जी कर सकते हैं कॉल आ सकती है जा सकती है ये फ़ायदा है हम मिडिल क्लास लोगों की प्रॉब्लम ये भी आ जाती है कि जैसे ही हम एयरपोर्ट से उतरते हैं बल्कि पाकिस्तान से ही जब चढ़ते हैं तो सोच आती है कि हम कहां पर जॉब मिल जाए किसी न किसी तरीके से जॉब मिल जाए तो वो भी मैं आपको आसान से तरीका बता देता हूं हर इलाके का यहां पे एक जॉब सेंटर होता है मगर वो अलग अलग वीज़ा टाइप का सेंटर है मिसाल के तौर पर हमारे पास E9 टाइप वीज़ा है तो हमारे पास लेबर कोड है वहाँ पर जाके हमें जॉब मिलती है जिनके पास G1 वीज़ा है उनका अलग ऑफिस है जिनके पास स्टडी वीज़ा है उनको तो स्टडी करनी है मगर उनको पार्ट टाइम जॉब करने के लिए कहीं ना कहीं जुगाड़ करना पड़ता है मगर जिनके पास सियासी वीज़ा है वो इस तरह करते हैं कि यहाँ पर एक इलाका है आनसन स्टेशन है वहाँ पे आप उतर के किसी से भी आप कहेंगे ना कि मेरे पास G1 वीज़ा जिसे हम सियासी वीज़ा कहते हैं विजिट वीज़े पर वहाँ पर भी जॉब नहीं मिलेगी G1 वीज़े पर जिनके पास सियासी वीज़ा है तो मुझे सियासी वीज़ा जो जॉब सेंटर है वहाँ पर ऑफिस है वहाँ पर लेंगे तो वो आपको रास्ता बता देंगे जब आप ऑफिस में जाएंगे आप उसे बताएंगे मेरे पास G1 वीज़ा मुझे जॉब चाहिए तो आपको जॉब तो वो दिला देगा मगर वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे आपकी 12 घंटे की ड्यूटी 16 घंटे में कन्वर्ट हो जाती है क्योंकि आपको 2 घंटे पहले जाना पड़ता है घर से निकलेंगे ऑफिस तक जाएंगे वहाँ पे 15-20 मिनट पहले पहुँचना पड़ता है गाड़ी लेके जाइए आपको जो भी काम है चाहे वो ईंटों का चाहे वो बजरी का चाहे वो ऑफिस का चाहे वो जो भी काम वो मिसाल के तौर पर आधा बैठ कहते हैं मतलब कि मजदूरी वाला काम फिर वो चाहे वो किसी कंपनी में शाम को वो आपको 8 बजे छोड़ेगी आप 10 बजे घर पहुँचेंगे फिर खाना पकाएंगे तो ड्यूटी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है पैसे कम देते हैं क्योंकि उसमें उसने ऑफिस वाले ने भी मार्जिन रखना होता है मगर उसमें 90% चांस होते हैं कि जॉब मिल जाती है अक्सर नहीं भी मिलती मगर ये है कि कोशिश करने से क्या नहीं मिल जाता तो कोशिश आप करें कि आप विजिट वीज़े पर ना आएँ बल्कि वर्क वीज़े पर आएँ ताकि रेगुलर आपको लेबर कोड के थ्रू ईजिली आसानी से जॉब मिल सके
और हाँ एक मज़े की बात अभी बता दूँ कि अभी जो नया कानून आया है, पहले ऐसा होता था कि विजिट वीज़ा सिर्फ 3 महीने का होता था, 3 महीने के बाद आपको पाकिस्तान जाना होता है या फिर सियासी वीज़ा लेकर यहाँ पे रहना जिन्होंने रहना होता था। अब इन लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम कर दिया कि अगर आप लॉयर हैं चाहे या आप डॉक्टर हैं, आप विजिट वीज़े पर आए हैं, किसी हॉस्पिटल ने या किसी कोर्ट ने आपकी गारंटी ले ली है कि भाई इसके पास वाकई में डिग्री है और ये एक्सपीरियंस है, ये हमें बंदे की ज़रूरत है, तो वो आपका विजिट वीज़ा 10 साल में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब 10 साल तक आप वहाँ पर जॉब भी कर सकते हैं विजिट वीज़े पे। मगर ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अनपढ़ हैं या तालीम जिनके पास नहीं है उनके लिए बिल्कुल नहीं। सिर्फ लॉयर या डॉक्टर ही नहीं बल्कि जो भी स्किल है आपके पास, कम से कम भी ग्रेजुएशन के बाद जो डिप्लोमा होता है एक बड़ा कोर्स है वो अगर आपने किया हुआ है, तो अगर यहाँ पे कोई ऑफिस या कंपनी या बैंक वगैरह आपको रखने को एग्री हो जाए कि हाँ भाई इसके पास डिग्री और मेरी ये ज़रूरत है, तो उसे वो 10 साल का वीज़ा आप जो है कन्वर्ट करके दे दें, मगर उसे विजिट वीज़ा ही रहेगा, मगर उसको जॉब भी मिल सकती है। तो ये अभी नया कानून है। जैसे अभी ये मैं कार्ड यहाँ पर लगा रहा हूँ, अभी इस जहाँ तक मस्जिद चला जाऊँ इसी रेंट पे जाऊँगा। मज़े की बात यह है कि अगर स्टेशन से उतर के बस में चढ़ता हूँ, बस से दोबारा ट्रेन में चढ़ता हूँ, तो आधे घंटे के अंदर जितनी मर्ज़ी ट्रेनें चेंज करता हूँ, जितनी मर्ज़ी बसें चेंज करता हूँ, इसी किराए पे काम चलता रहेगा। आधे घंटे से लेट हो जाएगा तो फिर नया किराया लगेगा, इसलिए इस कार्ड का जो है ज़्यादा फ़ायदा है। पर हाँ उस वक्त माज़ा चाहता हूँ, मैंने बताया कि बस से ट्रेन चेंज करते वक्त कुछ भी चार्जेस नहीं होता है, मतलब कि अगर हम आधे घंटे के दौरान चेंज हो जाते हैं बस से ट्रेन या ट्रेन से दोबारा ट्रेन में, तो आधे घंटे के सिर्फ 50 वॉन चार्ज होते हैं जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 4 रुपये या 5 रुपये बनते हैं। आप दोस्त लोग कह रहे होंगे शायद ये हर वक्त पैसे बचाने की बात करता रहता है, कम खर्चे में खा कैसे सकते हैं, कम खर्चे में रह कैसे सकते हैं। बात ऐसी नहीं है, जो तो कौरिया में 5-10 साल या 2 साल या 6 महीने भी रह लेता है उसे पैसों की कोई कमी नहीं है, मगर जो नया बंदा आता है ना तो वो अपने कपड़े लेने के लिए भी प्रॉब्लम उसके लिए जहन में आता है कि यार ये तो 5 मानन मतलब 5,000 रुपये की शर्ट है, मैं तो पाकिस्तान में 500 रुपये की शर्ट पहनता था। जब आप यहाँ पर रह लेते हैं कमा लेते हैं फिर आप जहाँ दिल चाहे जैसा रहें कोई मसला नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए बताता हूँ कि ताकि जो नया बंदा आता है उसके पास, कहते हैं ना पैसे जेब में हो तो बात करना भी आ जाती है, वो हमारे पंजाबी में वो एक मिसाल है जिन्ना देखा दाने उदे कमले भी से आने, मतलब कि जब तो मेरी जेब में पैसे हैं तो घूम फिर भी रहा हूँ सब कुछ कर रहा हूँ, कल को पैसे नहीं होंगे तो शायद मैं घूमूँ इतना ना, इतना वेल ड्रेस होकर ना फिरूँ घूमूँ ये वो मज़े ना करूँ, जब तक पैसे हैं घूम फिर भी रहा हूँ आपको मालूम भी दे रहा हूँ, आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, नहीं लगती है तो कोई मसला नहीं है। कोरिया में तकरीबन हर स्टेशन के बाहर आपको ये खिमपप जो है ना शिकतंग जिसको कहते हैं, इसको कहते हैं खिमपप शिकतंग, छोटा सा होटल होता है, यहाँ पे तकरीबन आपको 50 से 60 किस्म के खाने मिल जाएंगे और बहुत ही लजीज और बहुत ही सस्ते। अंदर चलते हैं खाते हैं देखते हैं क्या क्या होता है। लंच टाइम भाई ये खाने हैं, क्या क्या खाने हैं, खिमपप माय फेवरेट। कीड़े मकोड़े नहीं है भाई, हलाल है, चावल है, मूली है, इस तरह की सलाद है। मज़ा आ गया भाई। वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, मज़ीद वीडियो देखने के लिए कोई भी बात पूछनी है आप कमेंट्स कर सकते हैं। अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। तो हाँ कभी कॉफ़ी का दिल चाहे तो बुला लीजिएगा, कॉफ़ी पियेंगे और बहुत सी बातें भी करेंगे।